वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की एक बहुत बड़ी ताज़ा खबर लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ढोल वाले को बोलो ढोल बजावे, क्योंकि आज की जो खबर है ऐसी है कि मैं आपको अगर कोई खबर सुनाऊंगा जो आज की, तो आप भी ढोल के साथ नाचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब वापसी आ चुकी है BGMI यानी कि पबजी अब दोबारा लौट चुकी है इंडिया के अंदर। दोबारा हम पबजी कब खेल सकते हैं, अब कब खेलेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, कब कहां से डाउनलोड होगी और क्यों वापसी आई है, क्यों बैन हुई थी, इस सब का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले नीचे जो सब्सक्राइबर है, जो लाल कलर में लिखा है, उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पबजी खेलने वाले के लिए, BGMI खेलने वाले सभी को खुशखबरी, सभी को बधाई, सभी को मुबारक। तो इतनी अच्छी खबर सुनाई है यार, कुछ तो मेरे लिए तो लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो जल्दी सी, और नोटिफिकेशन की आल बटन को भी दबा दीजिए। आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और इन एंड इंफॉर्मेशन की तरफ से राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया है कि पबजी को दोबारा इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। और सबसे मेन खबर बताते हैं कि यह सिर्फ 3 महीने के लिए लॉन्च करेंगे, ये 3 महीने के लिए इसका ट्रायल दिया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहा है कि दिस इज़ द 3 मंथ ट्रायल अप्रूवल। 3 मंथ के लिए BGMI को ट्रायल के लिए अप्रूवल किया गया है। उसके बाद अगर इसके कोई हादसे नहीं आए, अगर कुछ नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो यह परमानेंट इंडिया के लिए खुलकर तैयार हो जाएगा। तो आज हम बता दें कि इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कब डाउनलोड कर सकते हैं, क्या है इसके नए फीचर के बारे में क्या है कि हम सबको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम इसको कहाँ से डाउनलोड करें, अभी आप अपने प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो कि उसका डाउनलोड का वर्जन नया आ चुका है। वहाँ से आप BGMI डाउनलोड कर सकते हैं और BGMI को खेल सकते हैं। यह जब इंडिया के अंदर बैन हुई थी, क्यों बैन हुई थी, क्योंकि जो ये मोबाइल कल कंप्यूटर का डाटा कैच कर लेता है, तो ये BGMI यानी कि पबजी गेम थी, ये डाटा चोरी कर चाइना भेजता था, इसकी वजह से इसको बैन किया गया था। कुछ और हादसे भी आ रहे थे हमारे यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए कि पबजी की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, इसकी वजह से इंडिया ने इसको बैन कर दिया था। जब से ये बैन हुई है, जब से BGMI बैन हुई है, पबजी बैन हुई है, तब से इंडिया की जो ग्रो है वो नीचे की तरफ जा रही थी, मतलब कि जो गेमिंग ग्रो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। अब इसको दोबारा इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। अब दोबारा लॉन्च करने के बाद अब देखते हैं कि जो गेमिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो डाटा है, वो कहाँ तक जाता है, उसकी ग्रो जाती है। अब इसको तो कब खेल सकते हैं, अब अगला क्वेश्चन है कि आप इसको कब खेल सकते हैं। खेल ही तो रहे हैं हम, सच बोल रहा हूँ ना, मैं खेल ही तो रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, हाँ खेल रहे हैं। मुझे सब पता है, ऊपर वाले को सब पता है कि आप कहाँ से आप पबजी को डाउनलोड करके खेल रहे हो, कहाँ से नहीं कर रहे हो, अनलीगल तरीके से डाउनलोड कर रहे हो, उसको खेल रहे हो, अभी भी खेल रहे हो आप। लेकिन अब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है राजीव चंद्रशेखर जी ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन की तरफ से, कि पबजी को दोबारा लॉन्च किया जाए। इसके अंदर नया फीचर, बहुत सारे नए फीचर आए हैं। सबसे पहले एक नया फीचर बताते हैं उसके, कि इसका जो टाइम लिमिट है वो एक तैयार किया गया है कि इतनी टाइम लिमिट तक आप पबजी को खेल सकते हो। और इसके अंदर जब फायरिंग, जो गोली चलती हैं, उसके अंदर ग्रीन कलर का लाइटिंग आएगी। एक मेन पॉइंट बताते हैं कि ये गेम सरकार ने सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रायल के लिए खुला हुआ है, वो मैंने पहले बताया। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि सरकार आप पे नज़रें रखे हुए है। अगर कुछ भी इस गेम से हुआ, डाटा चोरी हुआ या कोई ऐसी घटनाएँ आई, तो तभी इस गेम को बैन किया जा सकता है। जितने समय के लिए खोलिए, इतने समय के लिए हम इसको थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। इमोशनल में इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।